लोगों का काम है कहना, कहने दो, कोई बात नहीं। लोगों की उम्मीदें ज्यादा थी ना, तो जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत इमोशनल होके लोग बोलते हैं, तो उनका अधिकार है बोलना। नहीं, प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी। हम खुद मैच देखने गए थे, हिंदुस्तान का पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो बड़ा वो गर्मजोशी से होता है, और हर एक टीम चाहती है कि हम जीतें, और जीतना तो एक नहीं होता है, और जब टीम जो हार जाती है तो उस पर कहीं ना कहीं कमियां होती हैं, तो कमियों को उजागर होती हैं। तो फैंस का ये कोशिश होती है कि उनकी टीम जीते, जब वो नहीं जीत पाती तो कहीं गुस्सा इमोशनल होके कई बार कुछ वर्ड बोल देते हैं, अदरवाइज वी आर टेकिंग इट पॉजिटिवली, नो प्रॉब्लम। लोगों की उम्मीदें ज्यादा थी ना, तो जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत इमोशनल होके लोग बोलते हैं, तो उनका अधिकार है बोलना। और बिना फैंस के कोई गेम नहीं है, कोई प्लेयर नहीं है, गेम फैंस के ऊपर ही चलती है। नहीं, वो तो एज यूजली जैसे पहले था वैसे ही है, और वो तो कहते हैं कि हमें अगली गेम पे फोकस करना है, जो बीत गया सो बीत गया, आगे हमने जो पीछे पॉजिटिव आए हैं उस गेम से उसी को और इम्प्लीमेंट करना है, जो कमियां रहेंगी उसको दूर करना है, बस यही है उनका टारगेट, यही है। पहला मैच भी हमने देखा, बहुत बढ़िया लगा, दूसरे में भी अच्छा प्रदर्शन किया, तीसरा भी जो कल मैच हुआ बहुत अच्छा जा रहा था, और सिली मिस्टेक हो जाती है, किसी से भी हो सकती है। लोगों का काम है कहना, कहने दो, कोई बात नहीं। अगर खिलाड़ी को वो बोल रहे हैं तो वो प्यार भी करते होंगे ना, इसीलिए बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे, वो प्यार करते हैं इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था। कैच छूट गया है ना, वो तो गेम में चलता है, है ना, तो बाद में उसने लास्ट ओवर में वो कवर कर लिया है ना, तो बस की वो भी टीम खेलने आई थी, उनकी मॉम भी अरदास कर रही होगी ना। अर्शदीप के कैच के बारे में बहुत बातें हो रही है, आप ऐसे सीनियर खिलाड़ियों को क्या गाइड करेंगे और कुछ बात करेंगे उनसे, क्योंकि इतने प्रेशर वाले गेम में कैच छोड़ना उनके लिए भी इजी नहीं होगा अभी। नहीं, प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी, तो हम सब ने मतलब मुझे याद है मैं पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, मेरा पहला मैच था, और मैंने एक बहुत खराब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को, और मैं 5 बजे तक सुबह सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर खत्म हो गया। तो ये सब चीज़ें नेचुरल है फील करने के लिए, लेकिन सीनियर प्लेयर आपके आसपास आते हैं, कल हम लोग एज ए टीम फिर इकट्ठा होंगे, तो जब माहौल अच्छा होता है तो फिर आप उस चीज़ से सीखते हैं, और अगली बार अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार दोबारा मेरे पास कैच आनी चाहिए। तो आई थिंक वो क्रेडिट अभी जो टीम एनवायरनमेंट है, वो क्रेडिट मैं मैनेजमेंट और कैप्टन को दूंगा कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि सबको लगता है कि हाँ यार हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार आएगी तो हमें चाहिए।